वसुंधरा राजे जी के फोन जब इस तरीके से टेपिंग किए जा रहे हैं, जो चर्चाएं आम बाजार में है कि दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया मोदी जी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे जी को, ये बात प्रमाणित हो चुकी। पेगासस जासूसी मामले में मंगलवार को लोकसभा में ही नहीं विपक्ष ने सदन के बाहर भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली ही नहीं राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप जड़े, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेगासस जासूसी प्रकरण को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जोड़ा। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए वसुंधरा के फोन टैप करने की बात कही। यही नहीं डोटासरा ने राजस्थान में पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए वसुंधरा को लेकर बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह पर भी जमकर तंज कसा। आगे सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा क्या क्या बोले। दुरुपयोग किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती हैं, उन तक को नहीं बख्शा गया है। मैं समझता हूं इस प्रकार का षड्यंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में करना और उसका जवाब भी नहीं देना, इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। सत्ता में बैठे लोग किसी भी वर्ग को बख्श नहीं रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के स्वयं के, उनके जो भी निजी स्टाफ है 8-10 लोग, उनके सबके मुख्य चुनाव आयोग, भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं उनके, और यहां तक कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के निजी सचिवों के, और आश्चर्य तब हुआ जब स्मृति ईरानी जी के भी ओएसडी आदि के फोनों के माध्यम से निगरानी की गई और उनकी निजता का हनन किया गया, उनके ऊपर निगरानी रखी गई। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। आईटी मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, जबकि रविशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि यहां के लोगों के उस इजरायली कंपनी के जो निगरानी करती है उसके पास नंबर होना
जासूसी का प्रमाण नहीं है। यहां के भारत के आईटी मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब असत्य है, जबकि लोकसभा में 2019 में अगस्त सितंबर में एक क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया गया है, जब मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा हां हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हमने एनएसओ जो एक समूह है जिसके जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है निगरानी के लिए उसको नोटिस दिए हैं, ये सॉफ्टवेयर वो इजरायली कंपनी केवल सरकार को देती है, इसके अलावा किसी को नहीं देती। ऐसे में तमाम लोगों की निगरानी, उनकी निजता का हनन, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी नहीं छोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा गया, अपनी सरकार के मंत्रियों को नहीं छोड़ा गया, अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं छोड़ा गया, अपनी कैबिनेट में अब तक भी बने हुए लोगों को नहीं छोड़ा गया, प्रमुख विपक्षी दलों के लोगों को नहीं छोड़ा गया। मेरा सा सीधा सा सवाल है कि जब ये कंपनी केवल सरकार को सॉफ्टवेयर देती है या ये सेवाएं देती है तो ये इस सवाल से बच नहीं सकते हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। अमित शाह जी को जो देश के गृह मंत्री हैं उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके बगैर गृह मंत्री की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा दुस्साहस कर सके, उनको भी अपने आप को पाक साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच की कमेटी के लिए कहना चाहिए कि हां मेरी भी जांच। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, देश की एकता, देश की सुरक्षा खतरे में है। किस तरीके से ये लोग शासन कर रहे हैं इसकी वार्ता पूरे देश और दुनिया में आ चुकी है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल का घेराव करने का कार्यक्रम रखेंगे और हम जब तक इस पूरी साजिश से पर्दा नहीं उठ जाए, इसमें जो दोषी सरकार में बैठे प्रमुख देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जब तक पाक एंड साफ अपने आप को नहीं साबित कर दें तब तक इनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। और जो पार्टी, जो मोदी सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने आप को देश प्रेमी, अपने आप को देश की रखवाली चौकीदार देने वाले लोग, ये स्वयं ही अगर देश की निजता का हनन करने लग गए, लोगों की निजता का हनन करने लग गए, लोकसभा से पहले कहां कौन क्या टूर प्रोग्राम बना रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, और जिस प्रकार से लगता है कि अब तो समय आ गया है कि हर बिंदु के ऊपर
सरकार के इस रवैये से बेहद नाखुश थे और इन्होंने जो जासूसी कराई उसके आधार के ऊपर ये फैसले लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, हमारी पार्टी का स्टैंड है, और अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। अब ये बात साफ और स्पष्ट हो गई है राजस्थान में भी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के फोन जब इस तरीके से टेपिंग किए जा रहे हैं, जो चर्चाएं आम बाजार में है कि दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया मोदी जी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे जी को, ये बात प्रमाणित हो चुकी। अपने स्वयं की मुख्यमंत्री रही तो